हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम बनाएंगे रेडी टू वेयर साड़ी, जो बनाने में बहुत आसान है। इसके लिए हमने एक साड़ी ले ली है। अब हम इसकी पटलियाँ बनाएंगे। पटलियाँ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितनी छोटी बड़ी चाहिए। अब हम इसमें पल्ले की लंबाई मापेंगे, हमें कितना लंबा पल्ला चाहिए। तो यहाँ पे हमें 45 इंच चाहिए, तो हम 45 इंच पे मार्क कर लेंगे। हमें दोनों साइड मार्क कर लेना है, जिससे इसमें सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। तो हमने मार्क कर लिया है, हम अपनी पटलियों को जमाएंगे। तो हमने पटलियों को जमा लिया है। इसका आप ध्यान रखें कि पटलियाँ बिल्कुल बराबरी से जमें। अब हमें इसमें पिन अटैच कर लेना है, ताकि जो हमने पटलियाँ बनाई है वो खिसके ना। अब हमें क्या करना है, जो ये पटली का जो पहला वाला साइड है, यहाँ से हमें एक चुन्नट लगा लेनी है, जिससे ये जब घूमेगा तो इसमें कोई सल ना आए और ये फिनिशिंग से घूम जाए। यहाँ पे हमें 1 इंच दबाते हुए उस पर सिलाई लगा लेनी है। याद रखना, सिर्फ उसी पे हमें सिलाई लगानी है, बाकी और कहीं नहीं। अब हमने सिलाई लगा ली है, अब हम अपने पल्ले पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी ही सिलाई लगाई है, ताकि ये ज़्यादा दिखे ना। से चुन्नट लगाई थी, हम वहां से नापेंगे हमें कितनी गोलाई चाहिए। तो हमें यहाँ पे 45 इंच गोलाई चाहिए, तो हम उस पर मार्क कर देंगे। अब हम साड़ी पे हमने फॉल पी को पहले ही कर लिया है, तो हमें इस पे फॉल पी को पहले कर लेना है, बाद में दिक्कत आती है। अब हम इसकी लंबाई देखेंगे, हमें कितनी लंबाई रखना है। हमें 42 इंच लंबाई रखना है, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। उसके बाद हम कमर की गोलाई नापेंगे, तो हमारी कमर की गोलाई है 35 इंच, तो हम 35 इंच पर एक मार्क लगा देंगे। अब हमें साड़ी में अटैच करने के लिए पट्टी लेना है, प्लस बकरम लेना है और हमें लास्टिक लेना है। अब हम पटलियाँ बनाएंगे। हमें याद रखना है 35 इंच जहाँ हमने कमर का नाप लगाया, वहाँ से तो जहाँ हमने अपने पल्लू के साइड से जो गोलाई का नाप लिया था 42 इंच, वहाँ तक। हमें पटलियाँ बना लेनी है। पटलियाँ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटी बड़ी। पटलियों पे हमने पिन अटैच कर लिया है, अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो हमें याद रखना है, हमने 42 इंच जो निशान लगाया था लंबाई का, उतनी हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें थोड़ा आड़ा करके इसमें सिलाई लगा देनी है। इन्हें हमें अच्छे से सेट कर लेना है, जिससे ये छोटी बड़ी ना हो जाए। यहाँ पे हमें बिल्कुल आराम से सिलाई लगाना है, क्योंकि
कि हमारी मेन जगह यही है जहाँ हमें फिनिशिंग की बहुत ज़रूरत है। हमें अपनी नीचे की पट्टियों को भी देख लेना है कि वो सही से सेट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उन्हें सही से जमा लें। अब हम यहाँ से थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगाएंगे। अब हम साड़ी पे हुक अटैच करेंगे जो हम स्कर्ट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो हुक लगाए हैं जिससे अगर कमर छोटी बड़ी हो तो वो एडजस्ट हो जाए। अब हमें कपड़ा रखना है। ये कपड़ा हम इसलिए रख रहे हैं ताकि ये बेल्ट की शेप में अच्छे से आ जाए और इसमें हमें फिनिशिंग दिखे और हमारा बकरम जो है वो बाहर ना दिखे। इसलिए हमने दोनों साइड कपड़ा ले लिया है, दो दो इंच की पट्टियाँ ली हैं हमने। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे अच्छे से रखते हुए। हमारी कमर की गोलाई 35 इंच है तो हमने 25 इंच का बकरम लिया है और 10 इंच की हमने लास्टिक ली है। हमें इसे अच्छे से सेट करते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को भी अंदर दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है जिससे ये बाहर ना दिखे। तो देखिए दोस्तों कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये पट्टी लगाई है। आप भी इसी तरह लगाइए। अब जहाँ पे हमारा बकरम खत्म होता है हम वहाँ से लास्टिक अटैच करेंगे। हमें लास्टिक और बकरम दोनों पे सिलाई भी लगानी है जिससे ये खिसके ना। तो हमें यहाँ पे दो तीन सिलाई लगा लेनी है इसे पक्का करने के लिए। अब हमने जैसे बकरम को अटैच किया था वैसे ही हमें लास्टिक को भी अटैच करना है। याद रखना है हमें लास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है, उससे हमें दूरी से सिलाई लगानी है। इसे हमें अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर भी हम अपना हुक अटैच करेंगे। तो हमें इसे कपड़े के ऊपर से अटैच कर लेंगे पहले सिलाई लगाने से पहले ताकि ये दिखे ना बाहर। हमने इसे अंदर अटैच कर दिया है। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। याद रखना है यहाँ भी हमें लास्टिक पे सिलाई लगाना है।
यहाँ पे हमारी पटलियाँ मुड़ती हैं, तो उन्हें मुड़ने में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमें सिलाई लगा देनी है इलास्टिक के ऊपर से। तो देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से हमने ये इलास्टिक और बकरम अटैच कर लिया है, साथ में हुक भी लगा दिया है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये हमने पहन कर भी दिखाई है। इसके साथ हमने बेल्ट वाला ब्लाउज स्टिच किया है। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको ब्लाउज की वीडियो भी शेयर करूँगी। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसान है ना बनाना भी और पहनना।